चलिए, ड्रॉ फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो डी ऑर्बिटल होते कितने हैं ये बताओ, किसी एटम में, एक शेल में। एक शेल में पांच होते हैं, पांच पांच डी ऑर्बिटल होते हैं। उन पांचों की एनर्जी एक जैसी होती है या डिफरेंट होती है? पांचों की एनर्जी होती है एक जैसी, यहाँ हमने ड्रॉ किए होंगे। ये किसी एटम के एक शेल के डी ऑर्बिटल हैं। उनके नाम होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये होते हैं डी ऑर्बिटल, ये नाम होते हैं इनके। ठीक है, तो ये पांचों का एनर्जी क्या होता है? एक जैसा होता है। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड है नहीं, सिर्फ मेटल आयन ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसके डी ऑर्बिटल का एनर्जी एक जैसा होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है वो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग मतलब उनका टूट जाना। देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी तो बढ़ गई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड इनकी एनर्जी कम हो गई, तो ये स्प्लिटिंग हो गई ना। यहाँ पे तो सबकी एनर्जी इक्वल थी, यहाँ पे स्प्लिट कर गई। ये स्प्लिट कब करी? जब लीगेंड इसके आसपास आ गए। ओके, लीगेंड आए हैं किस मैनर में? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, मतलब लीगेंड ने अप्रोच किया है ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हुए। मतलब मेटल मान लो यहां पे है, तो लीगेंड कैसे आए हैं? एक इधर से, मतलब एक ये इसमें बना रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहा हूँ, एक इधर से आया लीगेंड, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऊपर से, एक नीचे से, छह डायरेक्शन से घेर लिया उसने। अगर छह डायरेक्शन से लीगेंड घेरेंगे तब स्प्लिटिंग कैसे होगी वो बोल रहा है, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड अगर सेटअप हो जाएगा तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी ये बताइए। ओके, देखते हैं। इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऑक्टाहेड्रल स्पीशी में विद सिक्स लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल एटम और आयन, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस ऑफ द लिगेंड। समझ में ही बात है, जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें रिपल्शन हो जाएगी ना। व्हेन लिगेंड्स आर फार अवे ऑल द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फील द सेम रिपल्शन। जब लिगेंड बहुत दूर है मेटल से तो सारे इलेक्ट्रॉन की रिपल, तो डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, उन डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की कुछ रिपल्शन फील करेंगे और वो रिपल्शन सारे इलेक्ट्रॉन इक्वली फील करेंगे। क्यों इक्वली फील करेंगे? क्योंकि लिगेंड बहुत दूर है, ठीक है ना। अच्छा, जब पास वाला केस डिस्कस करूंगा तो ये बात समझ में आएगी। अभी ये बात समझ लो कि सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी डी ऑर्बिटल में, वो उनको रिपल्शन एक जैसा ही फील हो रहा है। ओके, इसका हो सकता है कारण अभी समझना है, अगली लाइन में समझ में आएगा। देखो, पर जब लिगेंड पास आते हैं तो जो दो एक्चुअल डी ऑर्बिटल हैं, कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको ईजी ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इनको रिपल्शन ज्यादा फील होती है क्योंकि लिगेंड इसी तरफ से अप्रोच कर रहे होते हैं। देखो मैं इधर ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, यह है मेटल, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और ये ऊपर से आ रहा है जेड एक्सिस। लीगेंड इसी डायरेक्शन से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से, उधर से, और ऐसे ही आ रहा है ना लीगेंड। अच्छा, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये और वाइटल होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये होता है ना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो दो लोब होते हैं वो कहाँ होते हैं? एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं। ओके, डी जेड स्क्वायर कहाँ होता है? जेड एक्सिस के ऊपर, ऐसे होता है डी एक्स वाई, मैं यहाँ शो कर देता हूँ एक्स वाई, डी एक्स वाई होता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। सिमिलरली डी वाई जेड वाई और जेड के बीच में, डी एक्स जेड एक्स और जेड के बीच में, इसलिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड,
डी एक्सेंट, इनको बोलते हैं नॉन एक्शियल, नॉन एक्शियल डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग नहीं होते, एक्सिस के बीच में होते हैं। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इनको बोलते हैं एक्शियल ऑर्बिटल्स। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर को बोलते हैं एक्शियल ऑर्बिटल्स। अब देखो, अगर लिगेंड इस तरफ से आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर में होंगे उनको रिपल्शन ज्यादा फील होगी ना, डी दोनों तरफ, सब तरफ से आ रहा है ना लिगेंड, दोनों छह है ना लिगेंड टोटल, तो इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को रिपल्शन ज्यादा फील होगी। तो अगर उनको रिपल्शन ज्यादा फील होगी तो उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जितनी रिपल्शन होती है उतनी एनर्जी बढ़ जाती है, समझ में आई बात है। लेकिन ये कब होगा, जब लिगेंड थोड़े पास आएंगे, जब बहुत दूर होंगे फिर तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ना, फिर तो सारे इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन इक्वली फील होगी। क्लियर है बात है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। जब लिगेंड पास आते हैं तो दो डी ऑर्बिटल, कौन से, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनको ई जी ऑर्बिटल भी बोलते हैं, उनको रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ये नियरर होते हैं टू अप्रोचिंग लिगेंड्स। जो नॉन एक्शियल डी ऑर्बिटल्स है, कौन से, ये तीनों, इनको टी टू जी भी बोला जाता है, इनको रिपल्शन लेस फील होती है, क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा दूर है लिगेंड से एज कंपेयर टू ई जी ऑर्बिटल्स। बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन फील्ड बाय एक्शियल डी ऑर्बिटल्स, दीज आर रेज्ड मोर इन एनर्जी, हेंस डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लिमिटेड। डी जनरेसी मतलब एक जैसा एनर्जी लेवल, तो एक जैसा एनर्जी लेवल था पहले, अब नहीं रहा, इसको मतलब डी जनरेसी खत्म हो गई, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो डी, पांच डी ऑर्बिटल्स का दो सेट में बट जाना, टी टू जी और ई जी में, इसको क्या बोला हमने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एनर्जी गैप बिटवीन ई जी एंड टी टू जी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ओ, यहाँ ओ आएगा, सबस्क्रिप्ट ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। देखो ये रही यहां शो की हुई है, ये ऑर्बिटल कब थे, जब लिगेंड बहुत मतलब बहुत दूर थे लिगेंड, तो मेटल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, थोड़े से पास आए तो सारे इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन इक्वल फील होगा, इसलिए सारे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, सबकी बढ़ गई। जब लिगेंड और पास आएंगे तो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, और ई इसका एनर्जी थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है ना। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्सिस के लॉन्ग थे ना लिगेंड, इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, इसलिए इनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, तो ये ज्यादा बढ़ जाएगी एनर्जी। फिर से बता देते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, मेटल है यहाँ पे, और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं अप्रोच छह तरफ से, ठीक है ना, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। अब जो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाइटल होता है वो कहाँ होता है, अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ होता है ना, और डी जेड स्क्वायर होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस, यहाँ होता है। लिगेंड यहाँ से आएगा, लिगेंड यहाँ से आएगा, ठीक है ना, लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज होगा या कोई लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनमें रिपल्शन होगा ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में, तो रिपल्शन किसको ज्यादा फील होगा, डी जेड स्क्वायर को और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, क्योंकि उसी तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, जितना ज्यादा रिपल्शन फील होता है उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती है, इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ गई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की थोड़ी सी नीचे स्प्लिट हो गया, समझ में आई बात। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई, अच्छा पहले ये देखो, फिर से बताता हूँ ये सारा कहानी। फर्स्ट डायग्राम क्या दिखाती है, ये क्या है, ये जब लिगेंड है नहीं, सिर्फ मेटल अकेला ही है, तो उसके डी ऑर्बिटल ऐसे होंगे ना,
अब जब लिगेंड बहुत दूर है, अगर बहुत दूर है तो सारे डी ऑर्बिटल जो है उनको रिपल्शन इक्वल फील होगी, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई। जब और पास आएंगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को ज्यादा रिपल्शन फील हो जाएगी, इसलिए उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है। समझ में आई बात है? इतनी सिंपल सी बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हुए किसी को भी, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वहीं पे हैं वो, लिगेंड के पास है, मेटल के पास है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हुई, बस ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई है। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही बोलती है कि मेटल और लिगेंड में जो इंटरेक्शन है आयोनिक है। ओके, कोवलेंट नहीं है, बॉन्ड नहीं बनता ऐसे, बस आयोनिक है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की एनर्जी कम कैसे होगी यहां से? भाई रिपल्शन तो इनको भी फील हुआ है, चाहे कम हुआ लेकिन रिपल्शन तो इनको भी फील हुआ है ना, तो एनर्जी तो इनकी बढ़नी चाहिए थी ना, बढ़ी ही है इसके कंपैरिजन में। देखो ये कब थे? लिगेंड, जब जब लिगेंड थे ही नहीं, लीगेंड तो इसके कंपैरिजन में तो इसकी बढ़ ही गई ना, है कि नहीं? इसके कंपैरिजन में बढ़ गई, और इसके कंपैरिजन में इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, दोनों की बढ़ी है लेकिन इसकी ज्यादा बढ़ी है। मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए हम ना यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बारी सेंटर। ये सिर्फ मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है ना? तो बारी सेंटर हम क्या करते हैं इसको, ये जीरो है, मतलब एनर्जी लेवल जीरो यहाँ माना है हमने, रेफरेंस माना है जीरो। ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, सारी पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस मानना पड़ता है जीरो, है कि नहीं? जैसे ग्राउंड आप जीरो मानते हो, फिर आप बोलते हो हाइट इतनी, तो कहीं तो जीरो मानते हो ना, इसलिए इस एनर्जी को जीरो अज्यूम किया गया है। किस एनर्जी को जीरो? 2/5 डेल्टा ओ। ये अगर लेवल जीरो है तो टी टू जी का लेवल होगा 2/5 डेल्टा ओ, नीचे गिरेगा। ये टोटल एनर्जी है डेल्टा ओ, स्प्लिटिंग हो गई, इसको बोला डेल्टा ओ, इतनी स्प्लिट हुई है, इतना गैप है। यहाँ पे क्या है? एनर्जी। वाई एक्सिस में हम क्या दिखा रहे हैं? एनर्जी। तो ये डेल्टा ओ है, टी टू जी नीचे कितना गिरा? 2/5 डेल्टा ओ। ई जी ऊपर कितना गिरा? 3/5 डेल्टा ओ, मतलब 0.6 डेल्टा ओ, और ये -0.4 डेल्टा ओ। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि अगर आप इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दो ना तो सबकी एनर्जी जीरो आ जाए। ये मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है, फिलहाल इतना ही समझते हैं कि टी टू जी 2/5 डेल्टा ओ नीचे और ई जी 3/5 डेल्टा ओ ऊपर। ये सिर्फ हमने एक रेफरेंस के लिए जीरो माना है, आप इसको जीरो मानोगे तो ना मैथ्स थोड़ा कैलकुलेशन उतनी आसान नहीं होगी, बस और कोई रीजन नहीं, लेकिन एनर्जी दोनों की बढ़ी है। क्लियर है बात है? स्प्लिटिंग हो गई बस। एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑक्टा फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट्स इट।